जबकि चेयरमैन सर, मैं आपकी अनुकंपा और जो मेरे बात बोलने वाले थे उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद ही जया बच्चन जी बोल रही थी तो मेरा मन भी उनको ज़्यादा देर सुनने का था। इसमें ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, यहाँ सारी बहस चल रही है। मिश्रा जी ने चले गए, वो प्रभा झा जी, मिस्टर डायरेक्ट, कई लोगों के भाषण सुने और जया जी का भी सुना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि समाज कानून से और इन भाषणों से नहीं बदलेगा। गहरी बीमारी है, इस गहरी बीमारी के बारे में हम 68 बरस से सतही बहस कर रहे हैं। आज मेरा मन माना नहीं, इसलिए मैं ये मत बोलिए, मैंने कहा आपको कहना। नहीं, मेरा मन नहीं माना, आपने तो कहा ही था, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं इसलिए आया और मैं 2-4 मिनट में कह के जाऊंगा। अच्छा होता यदि वक्त होता तो मैं बताता। भारतीय समाज खंड खंड है प्रभात झा जी, ऐसा दुनिया में कोई समाज ही नहीं है, और वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो। बैठ जाइए प्रभात जी, आपकी बात को ऐड कर रहा हूँ मैं। शरद जी बोलिए। मैं कोई आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ, नहीं अखंड नहीं है, अखंड नहीं है, वो बाद में कभी बात करेंगे हम। ये है कि भारतीय समाज, भारत अखंड है, प्रभात जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन वो अखंड है। 80% आदमी हजारों साल से हर तरह के जुल्म और जाति को बर्दाश्त कर रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं, यानी हिंदू ईसाई क्रिश्चियन सिख सब में, तमिल बंगाली और उत्तर प्रदेश और वो प्यार हो, कोई जगह हो, बंबई हो, 100,000 जात है, और ये माँ की गुलामी से हुई है। जब भी ये जात बनी है तो माँ जो है जिस देश की गुलाम हो जाती, उसकी हालत, उसकी दुर्गति, 700 साल हम हारते रहे। इतिहास में पराजय का इतिहास हमारा लंबा है। सही बात। क्यों है? ये जो मां गुलाम की, उसने बदल करके, पलट करके भारत की सारी 68 बरस में कहीं सरक रहे हैं आप सपना दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखना आपकी दिल और नियत ठीक होगी, लेकिन आप घाघरा की नियत बनाएंगे और बरेली पहुंचेंगे इस देश में। ये अनुभव हमको 3-4 सरकार बनाई है हमने, ये हमको अनुभव है, लेकिन मैं आलोचना के नाते नहीं कह रहा हूं। जिस देश की माँ गुलाम होगी, वो देश में ये सारी बहस से कोई रास्ता निकल सकता है? आप जो हैसियत और समझ के लोग हैं, वो इस बीमारी पर बोलना नहीं चाहते, इस बीमारी पर कहना नहीं चाहते। ये रामायण में सीता के अपमान से महाभारत आपका युद्ध हुआ, राम रावण का। ये महाभारत में द्रौपदी, वहां कौन कौन लोग बैठे थे? भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, सारे लोग बैठे रहे, अकेले एक महिला। मेरे पास समय नहीं है, आप कम समय है, बहुत ही कम समय है, क्योंकि आपके दूसरे वक्ता जो थे, नहीं समझ गया, वो समय ले लिया। काइंडली, नहीं ठीक है लेकिन हम सब समय का गुलाम है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए।
नहीं सर, वहाँ उस सदन में हमको छूट थी, लेकिन स्पीकर साहब से बोलेंगे, चेयरमैन साहब से, आपसे मैं इतने कह रहा हूँ, मैं समय नहीं लूँगा ज़्यादा, मगर मैं मोटी बुनियाद को बताना चाहता हूँ। ये माँ गुलाम है, कैसे ये सारी समस्या का समाधान हो सकता है? यानी लड़के आज़ाद हैं, फिर ये भ्रूण हत्या, ये रेशियो का बिगड़ना, पढ़े लिखे लोग, जरासी हैसियत किसी जात के आदमी की हो जाती, वो बेटी के लिए बेचैन हो जाता, दहेज से लेकर उसकी दुर्गति हो जाती है। लेकिन जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसकी संख्या ज़्यादा, वो बेटी नहीं मारता, वो ईमान के साथ है। जो होशमंद है, जो हैसियत पा गए हमारे जैसे लोग, और वो इसलिए नहीं कि ये बुरे लोग हैं, समाज में ऊपर से बीमारी चलती है, गंगा ऊपर से बहती है, नीचे जाती है, ये नेचर है। जो ऊंचा समाज है, उसने जो आदर्श रखे हैं, वो सब ऐसे हैं कि इंसान विरोधी है वो। ये जो आपने रेशियो के बारे डायरेक्ट ने कही, ये सब कह रहे थे हरियाणा में, पंजाब में ये हो गया, ये मिश्रा जी कह रहे थे, ये क्यों हुआ गया? ये किसी गरीब के घर नहीं हुआ, दलित के घर नहीं, आदिवासी नहीं मारता। जिनकी थोड़ी हैसियत हो गई है, वो ही अपनी बच्चियों को और आने से वो डरते हैं, लेकिन वो हृदयहीन नहीं है। वो जानते हैं कि बेटी के चलते मेरी जमीन और घर और द्वार बिक जाएगा। प्रभात झा जी, तो आप तो मिथिला के रहने वाले हैं, और मिथिला में हम कई दिन से लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, हम लड़ रहे हैं, वो कोई अंतर नहीं मिथिला और मध्य प्रदेश में। हाँ, मालवा से हम मिथिला चले गए, ये मालवा में आ गए। इसलिए मैं अंत में इतने ही कहना चाहता हूँ, ये चाइल्ड लेबर, मैं जया जी के बाजी बैठ करके मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ नहीं समझा पाया। ये जो चाइल्ड लेबर का है, हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान की खेती के बाद यदि कोई एक चीज थी तो हाथ की उंगलियों का कमाल था, दस्तकारों का था। ये ताजमहल, ये खजुराहो, ये ढाका, ये चंदेरी, क्या क्या थे, यानी एक हाथी के बराबर थान, एक माचिस के बराबर डिब्बी में बन जाता था। ये उंगलियों के कमाल से आता है। ये उंगलियां 12 साल 13 साल में नहीं बनेंगी, ये उंगलियां तो बचपन में उसको कारीगर को सिखाना पड़ेगा। वो विद्या है, वो किसी डॉक्टरेट से कम नहीं है। आप तो उस इलाके के रहने वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ही बात की, हिंदुस्तान के किसान को जो तबाह किया, बर्बाद किया, उससे नहीं बर्बाद हुए हम। ये दस्तकार जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी, उसके ऊपर इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं करना चाह रही थी। राज कब जब किया, जब देख लिया कि देश में कानून नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाइल्ड लेबर के बारे में, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था, कॉमर्स मिनिस्टर था मैं। सर, आपसे क्या निवेदन करूं कि यह जो चाइल्ड का काम करने वाले, उनने क्या किया कि ये जो राम गोपाल जी के प्रांत में जो वो जो गलीचा बनता है भदोई, पूरे दुनिया में हमारे सारे एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। सब लोगों ने कहा, अरे भाई वो समाज तो आगे बहुत चला गया, उसके आगे आने के पीछे मैं कभी बात करूंगा। वो तो पूरी दुनिया में 250 साल 200 साल 300 साल लूटे हैं, वो लूट की सभ्यता है, वो लूट की सभ्यता की हम कैसे नकल कर सकते हैं? ये दस्तकार का काम, जैसे मान लो रविशंकर, जिसको भारत रत्न आपने दिया, बाबा अलाउद्दीन के पास कितनी उम्र में गया था? 7 साल की उम्र में गया था, तब भी बाबा ने मना किया कि नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई, तुम नहीं सीख सकते हो सरोद के इंस्ट्रूमेंट के, उससे बड़ा बादशाह, उससे बड़ा देश में कोई कलाकार नहीं। क्या हुआ? ये जो तबला है, सारंगी है, आपका सरोद है, ये आपका किसी तरह का भी इंस्ट्रूमेंट है, ये बच्चे की उंगलियों पे निकल सकता है, बचपन में निकल सकता है, उम्र दराज होने के बाद गला नहीं बनेगा। तो ये दुनिया में अलग चीज है उन्हें उड़दंग के गाने गाना। यहाँ तो नृत्य होता है, उस नृत्य में एक एक स्वर के ऊपर घुंघरू और एक एक स्वर के ऊपर शरीर हलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के समाज को नहीं बनाओगे
इसको टूटा हुआ है तो एक ही रास्ता है इसमें कि लोकशाही के अंतर्गत जो बच्चे अंतर जातीय शादी कर रहे हैं उनको तत्काल सुरक्षा दो, तत्काल सुरक्षा दो। जो बेटी इतना साहस करती, लड़का नहीं, बेटी का साहस है, माँ का साहस है, जो घर द्वार और जात छोड़कर जब जाती है उसकी त्रासदी आप नहीं समझते हो। उसका घर द्वार जाति उसे लांछित करती है, उसे बाहर निकालती है, उसके माँ बाप की जात उसे बाहर किया जाता है। जब तक ये अंतर जाति शादी के लोगों को जितनी बात आप कर रहे थे, ये समाज खंड खंड है, तो खंड खंड में पोखर में पानी बंद होगा तो सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? जब नदी बनेगी तो पानी रास्ते से और शुद्ध बनेगा और पीने लायक बनेगा। हमने भारत को सड़ा के रखा है और यहाँ सतही बहस कर रहे हैं। सारे लोगों की बहस सुन करके मैं हैरान हूँ। आपके इन भाषणों से कोई असर हिंदुस्तान के भीतर नहीं हो सकता। याना जस राजा तस प्रजा, महात्मा जी ने 32 में लिखा था कि जस प्रजा तस लोकसभा होगी, तस विधानसभा होगी, तस अफसर होंगे, तस वकील होंगे। ओके, थैंक यू सर। तुम सभी के सब इसी तरह के हम लोग हैं। हम समाज को पूरी तरह से बदलना नहीं चाहते। इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। दुनिया में कोई इस मुल्क से हाथ नहीं मिला सकता। जब तक ये रखेंगे अध्यक्ष जी, तब तक ये देश कभी बन नहीं सकता, ये कभी नहीं उठ सकता। इतना टूटा, इतना बिखरा, इतना विखंडित, खंड खंड होकर के पाखंड पाखंड कदम कदम पे इस देश में है। इस पाखंड के ऊपर ये सती बहस से जो आपने बोला है सब लोगों ने, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कितने बहस कर लो, कितने ही बात कर लो, ये आज की बात नहीं, हजारों साल से माँ और बेटी इस देश में मानी नहीं जाती, उसको बस्ती मानू जाता है, उसकी कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारे धर्म ग्रंथ से लेकर हर जगह उसमें एक ही चीज है, एक ही सबक दिया गया है कि द्रौपदी को नंगा करोगे तो ही जीत हारोगे, सीता को हरोगे तो बड़ा काम होगा। तो इन बातों के ऊपर कभी बहस नहीं करेंगे। धन्यवाद। बहस नहीं करेंगे। हजारों साल जो पहले किताब लिखी है वो हजारों साल पहले ठीक हो सकती है, लेकिन आज तो ठीक नहीं है। हम कई तरह से इस देश में, तो आपकी निगाह से डर गया हूँ मैं, यही बात समाप्त करता हूँ। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ माँ गुलाम है, यदि आजाद है तो नीचे जात की औरतें आजाद हैं, और जैसे जैसे जात ऊपर बढ़ते जाते वैसे वैसे महिला की इज्जत हैसियत और गुलामी बढ़ते जाती है। वो फर्जी नकली बताती है कि आजाद है, लेकिन नहीं, ये बीमारी नीचे नहीं है। बच्चों की भ्रूण हत्या छोटे लोग नहीं करते, आदिवासी नहीं करते, दलित नहीं करते, पिछड़े भी नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आपसे कहूँ, मैं माफी चाहता हूँ कि आपके आदेश का मैं ठीक से पालन नहीं कर सका, लेकिन बुनियादी बात है कि इस देश की महिला को लिबरेट करना है तो शरद यादव अपनी मात संस्कृति का आदमी है, इसलिए मेरे मन में सच कहने की आदत है। याद रखना एक ही चीज है कि माँ गुलाम करके रखी इस देश की सारी समस्या, और जात है उसकी कैद खाना। उस कैद खाने को नहीं तोड़ोगे तो फिर आप राज करते रहो 68 वर्ष नहीं, हजारों साल करते रहो, कभी देश नहीं बदलेगा। ये पराजय करेगा, ये दुनिया में निगाह उठा कर नहीं सकता। ये अमेरिका की बात करता है, अमेरिका के सामने अमेरिका का समाज समरस है। आप चीन की बात करते हो, चीन में हान 95% है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।